हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश, सर्किल बेस्ट ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड स्पेसिफिक का जो अपना टॉपिक चल रहा है, झारखंड सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ क्विज को आपके सामने विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय अधिकांश रूप से उसके राजधानी में ही होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ होता है? तो किसी भी राज्य का पीआरओ मुख्य सचिव होता है। वर्तमान में झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या है, तो झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या 5 है। 5 है। झारखंड में कितने जिले हैं? तो आप सभी जानते होंगे झारखंड में 24 जिले हैं। जब जिला का प्रमुख विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो जिला का प्रमुख जब समन्वयक के रूप में कार्य करता है तो उसे उपायुक्त कहा जाता है। जब वह राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। और जब वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता है तो उसे जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, तो राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। रांची नगर निगम की स्थापना हुई, तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में हुई है। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी में पारित हुआ है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहा जाता है, तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत को कहा जाता है। कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है? तो प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है, पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय धुरी पंचायत समिति है। पंचायत समिति का स्थापना किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति जो होते हैं वो प्रखंड स्तर पे होते हैं। और पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी होता है प्रमुख, पंचायत समिति के जो सर्वप्रमुख अधिकारी होते हैं उसे प्रमुख कहा जाता है। और पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, पंचायत प्रखंड क्षेत्र के सभी निर्वाचित मुखिया और प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायक एवं सांसद, ये सभी जो है वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में इतना प्रश्न था जो कि मैंने आप सभी से डिस्कस किया। अब आइए कुछ राज्य के प्रतीक भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इसी में हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पुष्प है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलास। झारखंड का राजकीय वृक्ष, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। झारखंड का राजकीय पशु है, तो झारखंड का राजकीय पशु आप लोगों को पता होगा हाथी है। झारखंड की राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। और झारखंड राज्य के चिन्ह लोगों में जे का उपयोग किया जाता है, तो कितना जे का उपयोग किया जाता है? 4 जे का उपयोग किया जाता है। तो झारखंड स्पेसिफिक में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।